गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है ये मैं अपनी लद्दाख सीरीज़ के बीच में डाल रहा हूँ, और उसके पीछे एक खास रीज़न है कि ये वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक मित्र है जो वडोदरा में रहते हैं, और उन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना एक कैरेवन बनाया हुआ है जो कि जो टाटा योद्धा है उसके चेसिस पे बेस्ड है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं पोर्टेबल सोलर इन्वर्टर बनाता हूँ, और वो हमारे कैंपिंग ग्रुप में भी है। तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था कि उनका जो कैरेवन है उसके अंदर जो भी सोलर का सिस्टम है और बैटरीज है वो मैं उन्हें लगा के दूँ। तो उसी के लिए उनका जो कैरेवन था वो मेरे पास आया हुआ था, तो दो दिन से मेरे पास में है। तो मैंने उसमें सारा जो भी फिटिंग है, मतलब सोलर कंट्रोलर, फिर इन्वर्टर बैटरी, लिथियम बैटरी और उसके रिलेटेड जो भी बाकी मॉडिफिकेशन था वो सब मैंने कर दिया है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जो वैन का जो टूर है वो करवाने के लिए, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप नीचे यहाँ पे खड़ी है। तो चलिए मैं आपको पहले नीचे लेके चलता हूँ, और आपको उस पूरा वैन का भी मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि उसमें उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो एक टाइप का पूरा टूर रहेगा, और साथ ही साथ मैंने उसमें क्या क्या जो इंस्टॉलेशन किया है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और आज देखते हैं टाटा योद्धा का कैंपर वैन मॉडिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बाहर से वॉक अराउंड कर लेते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे एक स्पेयर व्हील लगाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डीजल के लिए टैंक भी दी गई है। और इसका जो एंट्री है इस तरह से दरवाजे से साइड में बनाया हुआ है, और ये जो पूरा है ये टाटा योद्धा के चेसी पे बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से इसका एंट्री है, और यहाँ पे सबसे पहले टीवी लगा हुआ है, उसके बाजू में यहाँ पे ब्लोअर्स है, और यहाँ पर ये सोफ़ा है जिसपे चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, और ये प्लस सोफ़ा कम बेड बन जाता है जिसपे दो लोग आराम से सो भी सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे किचन है जिसपे ये पूरा स्टील का उन्होंने टॉप लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये ट्रॉपिकूल का फ्रिज दिया हुआ है, यहाँ पर ये सिंक है, एक फ़ैन यहाँ पर है, और ये एक वेंटिलेशन है, दूसरा फैन यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर बाथरूम और शावर और टॉयलेट दोनों ही पूरा स्टेनलेस स्टील का ही बनाया हुआ है, और ये गैस स्टॉप है, और साथ में ये पूरा किचन बना हुआ है, और जो सिलेंडर शायद यहाँ पे नीचे रखने का उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। तो ये कुछ व्यू है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ऐसे आप अभी जैसे आप देख सकते हो तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो ऊपर भी जो है यहाँ पर बेड है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसका जो रूफ़ है ये पूरा ऊपर चले जाता है, आप ये जो सब देख रहे हो ये रूफ़ के लिए ही उन्होंने बनाया हुआ है। तो एक बार मैं आपको इसको जो पूरा रूफ़ है ये उठा के दिखा देता हूँ। तो उठाने के बाद में ये जो बेड है इसको आप दो तरह से रख सकते हो, या तो ये भी आप रूफ़ के साथ में ऊपर लेके जा सकते हो, और या तो ये वैसे का वैसा रहेगा। अगर दिन में आप समझो कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहे हो तो आप इस रूफ़ को आप ऊपर लेके जा सकते हो ताकि आप यहाँ पे अच्छे से खड़े रह सको, और रात को सोने के टाइम पे आप रूफ़ को यहीं पे रख के बेड को यहीं पे रख के आप रूफ़ ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे और दो जन या तीन जन आराम से सो सकते हैं। तो ऐसे देखे जाए तो यहाँ पे चार बड़े और एक बच्चे की, मतलब पाँच जन के आराम की सोने की व्यवस्था इसमें हो सकती है। तो अभी ये जो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ से ये जो रूफ़ है इसको हम ऊपर कर सकते हैं, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी आप जैसे देख सकते हो ये बेड भी इसके साथ में ऊपर चला गया है, तो इसका हाइट जो है ये बढ़ गया है। तो उसके बाद एक आपको लाइट यहाँ पे मिल जाती है, एक लाइट आपको सामने मिल जाती है, और बाथरूम के अंदर भी लाइट है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी फुल हाइट आपको मिल जाती है, मतलब आप यहाँ पे शावर ले सकते हो। और ये इसका मैकेनिज्म है, आप देख सकते हो ये इन्होंने बनाया हुआ है जो इस रूफ़ को ऊपर और नीचे करता है। यहाँ पे इन्होंने ये चेन्स लगा दिए, और नीचे स्प्रॉकेट लगा हुआ है
और इसमें 24 वोल्ट की जो वाइपर मोटर आती है वो यूज़ किया हुआ है, और उसके लिए अलग से 24 वोल्ट की बैटरी इसको यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। वैसे तो ये पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये 12 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन सिर्फ इस मोटर को चलाने के लिए 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। अभी इसको पूरा थोड़ा ऊपर करते हैं और मैं फिर आपको इसको बाहर से भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभी पूरा ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अभी हो चुका है। ये देखिए, अंदर से भी है, इतना आपको हाइट यहाँ पे मिल जाता है। वो पोजीशन में आपको लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो यहाँ पर किचन में थोड़ा मेरा 5-10 मेरा हाइट है, तो मैं यहाँ पे मेरा टच होता है, लेकिन जो लेडीज़ अगर कम हाइट वाली है 5 फुट के आसपास, 5-5.5, तो वो यहाँ पे काम कर सकती है। तो ये इस तरह से देखिए, इतना आपको हाइट यहाँ पे दिन में, मतलब अभी जब भी आप खड़े हो, चालू में तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये पूरा ये टेंट वाला जो मटेरियल है वो बनाया हुआ है। प्लस यहाँ पे इस तरह से विंडोज़ है, इसमें अलग अलग लेयर्स डाले हुए, एक फुल कवर करने के लिए, फिर एक मॉस्किटो वाला, एक प्लास्टिक वाला है ताकि पानी अंदर ना आए। ये देखिए, हर जगह पे यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। और एक बार मैं आपको फिर इसको नीचे करके ऊपर का जो स्पेस है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि पता चले कि ऊपर सोने वालों के लिए कितना स्पेस मिलेगा। तो चलिए पहले एक बार आपको मैं इसका बाहर से लुक दे देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाहर से ये पूरा इस तरह से रूफ खुल जाता है, और यहाँ पर से ये विंडोज़ दिखाई देती है, और बीच में इस तरह से बंजी कॉर्ड भी लगाई गई है, ताकि जब भी बंद करो तो ये जो कपड़ा है ये अंदर की तरफ चला जाए। और इसको नीचे करने के लिए भी ये जो बटन है, ये बिल्कुल जैसा अपना पावर विंडो स्विच आता है वैसा बनाया हुआ है। इसको आपको थोड़ा सा नीचे धीरे धीरे करना है नीचे की तरफ। तो ये इस तरह से पूरा जो रूफ है ये नीचे आ जाता है। तो अभी मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर सोने के लिए कितनी जगह है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये आप देख सकते हो कि ये खुलने के बाद में यहाँ पर अच्छी खासी जगह है। यहाँ पर दो बड़े तो बिल्कुल आराम से सो सकते हैं, और उसके साथ में अगर एक छोटा बच्चा है तो वो भी आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 बड़े और 1 बच्चे के सोने की व्यवस्था है। ये इस तरह से दो दो बनाए हुए, आप चाहो तो यहाँ पे एक बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन इन्होंने दो बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन है टाटा योद्धा का। और अभी नीचे आप देख सकते हो हाइट अभी उतने की उतनी है। क्योंकि हमने रूफ जो है ये नीचे ही रहने दिया, ये आप रूफ ऊपर जा सकता है। यहाँ पे इस तरह से ये इसके लॉक्स दे दिए, तो रूफ यहाँ पे अभी लॉक हो गया ये, और यहाँ पे आपको इतनी खड़े रहने की जगह मिल जाएगी। तो चलिए अभी आपको मैंने जो यहाँ पे सेटअप किया है वो भी दिखा देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग के लिए हमने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया है, और उसी के बगल में एक MCB है जो इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए रखी हुई है। और पीछे की तरफ यहाँ पे ये ग्रीन कलर का इन्वर्टर है, और उसके पीछे यहाँ पे LFP बैटरी से ये 172 AH की बैटरी है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये सोलर से चार्ज हो जाता है, और ये जो इन्वर्टर है ये 2000 वाट का है, और यहाँ से ये पूरा वायरिंग किया हुआ है। एक्चुअली ये जो सिस्टम है ये मैं ऊपर लगाने वाला था यहाँ पर, लेकिन जिन्होंने ये कोच बनाया हुआ है उन्होंने ये पूरा जो वायरिंग है ये यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ दे दिया है। दरअसल मैं इसके फेवर में नहीं था, लेकिन अभी इसमें कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि वायर सब यहीं पे निकाले हुए हैं, तो उस वजह से ये सिस्टम मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा। और जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सोलर का और बैटरी का दोनों का वोल्टेज दिखाई दे जाता है। और ये जो ऊपर सोलर पैनल हमने लगवाए है वो भी 170 वाट के हैं, मतलब टोटल 340 वाट का हमें यहाँ पर करंट मिल जाता है। ऊपर रूफ की तरफ हम लोग ने दो पैनल लगाए हुए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये वोल्टेज से जो हमारी बैटरी से वो चार्ज होते रहती है। और यदि आप में से भी किसी को ये सिस्टम बनवाना है दोस्तों, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। और यदि आप कैंपिंग करते हो और आपको उसके लिए पोर्टेबल इन्वर्टर चाहिए दोस्तों, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है, और उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा।
और मुझे यकीन है दोस्तों आप में से कई व्यूअर्स को इस कैंपर वैन को पर्सनली देखने की इच्छा हो गई होगी। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो कैंपर वैन है अभी फ़िलहाल गुजरात के वडोदरा सिटी में है। तो इसके जो ओनर है इनकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और यदि आप ये भी जानना चाहते हो कि इसको बनाने का खर्चा कितना आया, कहाँ से बनवाई, और उनके रिकमेंडेशंस भी आप उनसे ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर किसी को इस तरह की कैरेवैन खरीदनी हो तो भी आपको वह हेल्प कर देंगे, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारे चैनल पे आपको कैरेवैन का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इसी तरह के और वीडियो लाने की। और यदि आपको ऐसे वीडियो देखने हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।